Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको बताऊंगी जो हमारा सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, उसका एक टॉपिक है क्लासिकल स्कूल. तो टुडे आई विल थ्रो लाइट ऑन क्लासिकल स्कूल. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको प्री क्लासिकल स्कूल बताया था और आज मैं आपको बताऊंगी क्लासिकल स्कूल. देखिए, जो क्लासिकल स्कूल का जो इवोल्यूशन था, वो जो हमारा प्री क्लासिकल स्कूल था, उसकी जो शॉर्ट कमिंग थी, उसकी वजह से इसका जो है अराइवल हुआ. इसकी जेनेसिस जो थी, वो जो उसकी शॉर्ट कमिंग थी प्री क्लासिकल की, उसकी वजह से हुई थी. तो इसमें बैकेरिया एंड बेंथम इस क्लासिकल स्कूल के मेन एक्सपोनेंट थे. बैकेरिया ने सबसे पहले क्लासिकल स्कूल की टर्मिनोलॉजी दी और उन्होंने बताया कि जो क्लासिकल स्कूल है वो आपका रेशनलिज्म पे जो है बेस करता है. इसीलिए उन्होंने कहा कि क्लासिकल स्कूल को हम फ्रीडम ऑफ विल थ्योरी भी कह सकते हैं. तो इसका दूसरा नाम क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ विल थ्योरी. तो जो उन्होंने मेन मेन इसके टीनेट्स बताए थे, अब मैं वो आपको बताती हूँ. सबसे पहले उन्होंने बताया कि इट डिपेंड्स ऑन पेन एंड प्लेजर थ्योरी. मैंने अभी आपको बताया कि क्लासिकल थ्योरी का एक और नाम क्या था? फ्रीडम ऑफ विल थ्योरी. ऐसे ही इसका एक और नाम था जिसे हम बोलते हैं पेन एंड प्लेजर थ्योरी. उन्होंने बताया कि जो भी इंडिविजुअल क्राइम करता है वो एक रेशनल पर्सन है. उसको पता है कि मेरा इस काम को करने से क्या मेरे को रिस्क मिलेगा और क्या मेरे को जो है रिवॉर्ड मिलेगा. तो रिवॉर्ड मिलने से मुझे कितना प्लेजर मिलेगा और रिस्क से मुझे कितना पेन होगा. तो इसीलिए इसे पेन एंड प्लेजर थ्योरी भी कहा जाता है कि वो जो है एनालिसिस करता है कि मेरे को रिवॉर्ड कितना है और मेरा रिस्क कितना है, उसी हिसाब से फिर वो जो है क्राइम करता है. इसीलिए इसे पेन एंड प्लेजर थ्योरी भी कहते हैं. सेकेंडली, बैकेरिया ने बताया कि जो क्रिमिनलिटी है वो हम किससे डिसाइड करते हैं? एक्ट से करते हैं, इंटेंशन से नहीं करते हैं. उन्होंने कहा जब भी कोई क्राइम होता है हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हाँ, ये एक्ट क्राइम की डेफिनेशन में आ रहा है. उस क्राइम को करने के पीछे किसी की क्या इंटेंशन थी, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है. अब चाहे वो विद इंटेंशन हो या बिना इंटेंशन के हो या उसकी क्या इंटेंशन रही, ये हमें नहीं देखनी चाहिए. हमें तो सिर्फ उसका एक्ट देखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जा रहा है और गलती से कोई व्यक्ति जो है उसके धक्के से ट्रेन से नीचे गिर के मर जाता है, तो उन्होंने उसको भी मर्डर लिया क्योंकि उसके धक्के लगने से वो नीचे मर गया. और किसी ने अगर जानबूझ के गन से शूट करके उसको मारने की नीयत से मार दिया, तो उसको भी उन्होंने मर्डर की ही डेफिनेशन में रखा, क्योंकि इन्होंने किसी भी बंदे की इंटेंशन को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने क्रिमिनल के एक्ट के बेसिस पे डिसाइड किया कि इन्होंने क्राइम किया है या नहीं किया है. थर्ड पॉइंट बताता है कि जो पनिशमेंट था वो उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया, जिससे कि वो लोगों के मन में डर क्रिएट कर सकें और वो क्राइम करने से बचें और वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें. तो ये जो है बहुत ज़रूरी था और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्लासिकल स्कूल का, क्योंकि आप आज भी देखते हैं अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो पेरेंट्स भी उन्हें डांटते हैं और टीचर भी उन्हें डांटते हैं. उस डांट जो होती है वो एक तरीके का पनिशमेंट है उनकी स्कोल्डिंग. वो इसलिए नहीं डांटते कि उनकी बच्चों से कोई दुश्मनी है, बल्कि वो इसलिए डांटते हैं जिससे कि आगे बच्चा जो है पढ़े और उसके माइंड में एक डर क्रिएट हो जाए कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे स्कोल्डिंग पड़ेगी या मुझको जो है कोई थप्पड़ भी लग सकता है. तो इसी तरीके से बैकेरिया ने भी बताया कि पनिशमेंट जो दिया जाता था वो इसलिए दिया जाता था ताकि सोसाइटी के लोगों के मन में डर हो कि अगर हम गलत काम करेंगे, अगर हम क्राइम करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिल सकता है. नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि दिस थ्योरी इज अगेंस्ट द क्रूएल पनिशमेंट. देखिए, थर्ड पॉइंट में उन्होंने ये तो बताया कि पनिशमेंट होना चाहिए,
लेकिन जो बैक्टीरिया और बैंथम थे वो क्रूल पनिशमेंट के बिल्कुल अंगेज थे। प्री क्लासिकल थ्योरी में हमने देखा कि इंडिविजुअल को बहुत ही बारबेरियस और बहुत ही जंगली टाइप के जो है पनिशमेंट दिए जाते थे, जैसे उन्हें खौलते हुए तेल में फेंक दिया जाता था, उन्हें नदी के पानी में फेंक दिया जाता था, उनको आग में से चलने के लिए कहा जाता था। तो ये बहुत ही टॉर्चर वाली और बहुत ही ज़्यादा पेन वाले जो है पनिशमेंट थे। लेकिन इस थ्योरी के एक्सपोनेंट्स ने बोला कि हमें पनिशमेंट तो देना है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा क्रूल पनिशमेंट नहीं देना है, जो पनिशमेंट है वो ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, इंसान को उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द पनिशमेंट। बैक्टीरिया ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है और उसके बाद फिर हम पनिश करते हैं, तो इससे बेटर है कि हम ऐसी पनिशमेंट दें कि क्राइम ही ना करे वो। तो क्राइम का प्रिवेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बनिस्पत इसके कि हम क्राइम करने के बाद उसको पनिशमेंट दें। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी क्राइम एंड पनिशमेंट, उसमें उन्होंने बताया कि हमें इस तरह का पनिशमेंट देना चाहिए क्रिमिनल को जिससे कि वो आगे जाके कोई भी नया क्राइम ना करे, और उनकी पनिशमेंट को देख के सोसाइटी के दूसरे मेंबर भी जो है आगे जाके जो है कोई भी क्राइम ना करे। इसीलिए जो पनिशमेंट होता है वो जो है प्रोपोर्शन टू क्राइम होना चाहिए, मतलब जितना उन्होंने क्राइम किया उसी हिसाब से जो है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट सपोर्टेड द राइट ऑफ द स्टेट टू पनिश द ऑफेंडर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। बैक्टीरिया ने बताया कि स्टेट का ये राइट है कि वो जो भी क्रिमिनल होते हैं, जो भी ऑफेंडर होते हैं, उन्हें इसलिए पनिश करें ताकि पब्लिक सिक्योरिटी बनी रहे। अगर स्टेट के पास ये राइट नहीं होगा कि कोई जो है क्राइम कर रहा है और स्टेट के पास ये राइट ही ना हो कि वो उसे सजा दे सके, तो फिर तो हर व्यक्ति जो है कोई ना कोई क्राइम करने लगेगा, जिससे लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल बिखर जाएगा और सोसाइटी में मेंबर्स की कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहेगी। इसलिए पब्लिक सिक्योरिटी देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऑफेंडर को पनिश दें, और वो पनिशमेंट जो है वो सैंक्शन होनी चाहिए उसके पीछे स्टेट की, कि हर व्यक्ति उसे मानने के लिए जो है बाध्य होना चाहिए। अगर व्यक्ति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगा तो फिर उस सैंक्शन का, उस पनिशमेंट का कोई भी फायदा नहीं होता है। तो इसलिए स्टेट पे ये राइट होना चाहिए और हर कोई उस पनिशमेंट को माने भी, क्योंकि वो स्टेट का राइट है। तो ये उन्होंने मेन पॉइंट बताए थे बैक्टीरिया ने और बैंथम ने अपनी क्लासिकल थ्योरी में। अब बैक्टीरिया ने कुछ इसके प्रिंसिपल भी बताए हैं क्लासिकल थ्योरी के। इन्होंने चार प्रिंसिपल बताए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है रेशनलिटी। उन्होंने कहा कि ये जो क्लासिकल थ्योरी है वो बेस ही रेशनलिज्म पे है। उन्होंने कहा जितने भी इंडिविजुअल होते हैं सब रेशनल होते हैं, उन्हें पता होता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो अपनी फ्री विल के हिसाब से वो जो है क्राइम करते हैं। क्राइम करने में अगर उनको जो है कोई भी लगता है कि हम प्लेजर ले रहे हैं तो वो क्राइम करते हैं। इस क्राइम के पीछे कोई भूत प्रेत, कोई एक्सटर्नल पावर, कोई एविल स्प्रिट नहीं होती है। वो किसी के कहने से या किसी एविल स्प्रिट के इन्फ्लुएंस में क्राइम नहीं करते हैं, बल्कि अपनी विल से, अपनी इच्छा से वो क्राइम करते हैं। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ रेशनलिटी। सेकंड प्रिंसिपल उन्होंने बताया हेडोनिज्म का। हेडोनिज्म कहता है कि ये जो है क्रिमिनल जितने भी होते हैं वो पेन एंड प्लेजर थ्योरी से जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। वो जो भी क्राइम करते हैं इसलिए करते हैं ताकि वो प्लेजर को सीक कर सके, लेकिन उनके प्लेजर सीक करने से सोसाइटी के मेंबर को जो है पेन होता है, उन्हें जो है हार्म होती है, तो वो प्लेजर सीक करते हैं और सोसाइटी को हार्म होती है। थर्ड उनका प्रिंसिपल था पनिशमेंट। उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेट जो है ऑफेंडर को पनिशमेंट दे,
क्योंकि पनिशमेंट देने से ऑफेंडर आगे जाके कोई और नया क्राइम नहीं करेगा और उसकी पनिशमेंट को देख के जो सोसाइटी के दूसरे मेंबर हैं वो भी क्राइम करने से बचेंगे। और उन्होंने कहा ये जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट तो होना चाहिए, इसको तो उन्होंने बड़ा एम्फेसाइज किया, लेकिन उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा कि हमें जो है बहुत क्रूल पनिशमेंट नहीं देना है, हमें ऐसा पनिशमेंट नहीं देना है जो कि बिल्कुल टॉर्चर के समान हो कि हमने किसी को खोलते हुए तेल में डाल दिया या किसी को पानी में फेंक दिया, इस तरह का पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि पनिशमेंट थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए। लास्ट प्रिंसिपल उन्होंने बताया ह्यूमन राइट। उन्होंने कहा जो क्रिमिनल है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, इसलिए उनका भी कोई ह्यूमन राइट होता है, इसीलिए जो भी पनिशमेंट देनी है वो जो है उनके क्राइम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी एक्सेसिव देन क्राइम, जितना क्राइम किया है उतनी ही उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसी को उन्होंने कहा कि हर क्रिमिनल को प्रोपोर्शनल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रोपोर्शनल पनिशमेंट में ये देखा जाता है कि उसने प्लेजर कितना लिया उससे और उससे हार्म कितना किया, उसने पेन कितना दिया, तो जितना प्लेजर लिया उससे ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये उन्होंने बताया था ह्यूमन राइट। अब हम बताएंगे कि क्लासिकल थ्योरी के क्या क्या कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले इसके इम्पॉर्टेंट टीनेट्स बताए, फिर मैंने बताया इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, अब मैं बताऊंगी कि इस क्लासिकल थ्योरी का क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अपने स्कूल ऑफ थॉट्स में। सबसे पहला तो कंट्रीब्यूशन यही था इम्पॉर्टेंस ऑफ पनिशमेंट। जो बैक्टीरिया थे उन्होंने सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ पनिशमेंट बताई, उन्होंने एक तरीके से जो जस्टिस सिस्टम था उसकी नींव रखी, उन्होंने कहा कि अगर कोई क्राइम करता है, क्योंकि क्राइम करने वाला भी एक रेशनल पर्सन है, उसे पता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, उसके बावजूद भी वो क्राइम करता है, तो अगर हम कोई पनिशमेंट नहीं देंगे तो फिर तो उसको देख के सोसाइटी के सारे मेंबर भी जो हैं क्राइम करते रहेंगे और हमारी सोसाइटी में कोई भी लॉ ऑर्डर नहीं रहेगा, पब्लिक सिक्योरिटी बिल्कुल हमारी स्टेक पर लग जाएगी, इसीलिए पनिशमेंट देना ज़रूरी है जिससे जो क्रिमिनल है वो आगे जाके नया क्राइम ना करे और सोसाइटी के मेंबर उसके पनिशमेंट को देख के वो भी कोई क्राइम ना करे। सेकेंड इनका कंट्रीब्यूशन था प्रोपोर्शनल पनिशमेंट, ये इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने बताया कि हमें प्री क्लासिकल जो स्कूल था उसके हिसाब से हमें बहुत ही बार्बियस, बहुत ही टॉर्चरस पनिशमेंट किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट उसके क्राइम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना क्राइम है उतनी ही उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसको प्लेजर मिलता है, उसे सोसाइटी के मेंबर को पेन पहुंचा के, उनको हार्म पहुंचा के एक वो प्लेजर की फीलिंग देता है, तो जितना उसने प्लेजर फील किया उससे ज़्यादा उसे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब पनिशमेंट क्रिमिनल को मिलेगा तो उससे उसे पेन होगा, तो प्लेजर से ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए, जितना उसने क्राइम करके प्लेजर लिया है पनिशमेंट से उतना ही उसे पेन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने जो था प्रोपोर्शनल पनिशमेंट को जो है एक इसकी थ्योरी दी। इसका नेक्स्ट है स्पीडी ट्रायल। बैक्टीरिया ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने कहा कि जब भी कोई क्राइम करता है तो हमें उसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जिससे कि क्रिमिनल को जल्दी से जल्दी पनिशमेंट मिले और विक्टिम को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। आज भी इसी वजह से आप इंडिया में भी देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं, लोक अदालत बनाई गई हैं, जिससे कि स्पीडी ट्रायल हो, क्योंकि अगर ट्रायल स्पीडी नहीं होगा तो जस्टिस को मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर लेट जस्टिस मिला है तो इट मीन्स वो नो जस्टिस के ही बराबर होता है। तो क्लासिकल थ्योरी की वजह से ही आज भी स्पीडी ट्रायल की बहुत ज़्यादा मान्यता है। अब इनका नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था अंगेज द यूज ऑफ आर्बिट्री पावर ऑफ जजेस।
उन्होंने कहा, बेकेरिया ने बताया कि जो जजेस हैं उनकी भी आर्बिट्रेरी पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जज अगर अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग के हिसाब से, अपनी आर्बिट्रेरी पावर के हिसाब से जजमेंट देने लगेंगे तो उसमें तो गलती की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जजेस जब भी वर्डिक्ट देते हैं तो जो लॉ ने उनकी एक लिमिटेशन बताई है उसी लिमिटेशन में रह के उन्हें वर्डिक्ट देना है, और जो लॉ ने एक प्रोसीजर बताया है उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उन्हें अपना वर्डिक्ट देना है, उनको जो है क्रिमिनल को जो है पनिश करना है। इसका लास्ट कंट्रीब्यूशन था ह्यूमैनिटेरियन पनिशमेंट। देखिए ये कहता है क्लासिकल थ्योरी कि पनिशमेंट तो दो, पनिशमेंट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पनिशमेंट के तो लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में क्रिएट नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पनिशमेंट है वो ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए। जैसे प्री क्लासिकल स्कूल में बहुत ही टॉर्चरस था, जैसा आप भी देखते हैं एंशंट इंडिया में, कि माँ सीता ने भी जो है अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए अग्नि पे चल के अपनी परीक्षा दी थी। तो उन्होंने कहा क्लासिकल थ्योरी ने कि इस तरह का पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो है ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो क्रिमिनल है वो एक ह्यूमन बीइंग भी है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए ही हमें पनिशमेंट देना चाहिए। अब कंट्रीब्यूशन के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके क्रिटिसिज्म। क्लासिकल थ्योरी ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन भी दिए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी बताई हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। इसके क्रिटिसाइज के दो रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न था प्रिजम्पशन ऑफ फ्री विल। बेकेरिया ने कहा कि कोई भी क्रिमिनल जो क्राइम करता है वो सिर्फ अपनी फ्री विल की वजह से करता है, अपनी इच्छा से करता है। उन्होंने यहाँ पे इंटेंशन को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि इंसान के क्राइम करने के पीछे उसका एनवायरनमेंट भी हो सकता है, उसका मेंटल फिनोमिना भी हो सकता है, उन्होंने उनकी क्या इंटेंशन है ये भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने इन सब चीज़ों को एक साइड पर रख दिया और उन्होंने कहा कि इंसान जो है सिर्फ अपनी फ्री विल के बेसिस पे ही जो है क्राइम करता है। तो ये जो प्रिजम्पशन ऑफ फ्री विल थी ये बिल्कुल गलत थी, बल्कि बाद में भी बेकेरिया ने इस चीज़ को जो है नहीं, खुद भी नहीं उन्होंने जस्टिफाई किया इसको, और बाद में फ्री विल को चेंज करके इंटेंशन को भी फोकस किया गया। अब इसका नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है कंसेप्ट ऑफ इक्वल पनिशमेंट वाज रॉन्ग। ये जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि इक्वल क्राइम के लिए इक्वल पनिशमेंट देनी चाहिए, ये कंसेप्ट एक्चुअली बिल्कुल गलत था, क्योंकि आप देखिए हर इंसान की क्राइम करने की सिचुएशन अलग होती है, सरकमटांसिस अलग होती है, एज अलग होती है, इंटेंशन अलग होती है। तो अगर आप सबको एक जैसा ही पनिशमेंट दे रहे हो तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर किसी मेंटली रिटार्टेड पर्सन ने कोई कत्ल किया आप उसको भी वही सजा दे रहे हो, और किसी ने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सजा किया आप उसको भी वही सजा दे रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। एक माइनर कोई सजा करता है, मतलब क्राइम करता है बचपने में आके उसको पता नहीं होता है, और एक एडल्ट पर्सन क्राइम करता है, लेकिन आप दोनों के क्राइम को सेम मान के उनको सेम पनिशमेंट दे रहे हो, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि पनिशमेंट देते समय हम इंसान की जो है एनवायरनमेंट, सरकमटांसेस, उसकी इंटेंशन, उसके मेंटल फिनोमिना, उसकी साउंडनेस ऑफ माइंड, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही जजेस को पनिशमेंट दे दी चाहिए। लेकिन क्लासिकल थ्योरी कहता था जिसने क्राइम कर दिया तो उसने कर दिया, हमें सिर्फ ये देखना है कि उसने क्राइम किया है और उसकी ये पनिशमेंट होगी। तो हमने किसी भी बंदे में, किसी भी एज का हो, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का, उसका कोई भी मेंटल फिनोमिना, उसकी कोई भी सरकमटांसेस हो, हमने इस चीज़ को नहीं देखा, हमने सिर्फ उसके एक्ट ऑफ क्राइम को देखा कि इक्वल क्राइम के लिए इक्वल पनिशमेंट, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत था। तो अब मैंने आपको इसकी क्रिटिसिज्म बता दी। आई होप कि अब आपको क्लासिकल थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आपको मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में बताई है। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे दूसरे स्टूडेंट को शेयर जरूर करिए, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को ये जो थ्योरीज हैं क्रिमिनोलॉजी की ये बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो आप उनको शेयर करके उनका भी बेनिफिट करेंगे।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.